आप लोग ने यहाँ में आज आकर हमें समय दिया है बात करने के लिए. आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस. इसके बाद मैं थोड़ा बोलने के बाद दो अलग पार्टीज भी है यहाँ में जो अपना बात रखेंगे. मैं सिर्फ तीपरा मोथा के लिए बात करना चाहता हूँ. मैं बहुत खुशी हूँ कि आज से इतिहास में पहले बार होगा कि एक एससी सीट से एक आंचलिक पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया है जो सीरियसली कॉन्टेस्ट करेगा आने वाले बाय इलेक्शन में. टीपरा मोथा ने सुरमा से कैंडिडेट दिया है, एससी सीट है, और ये शायद पहले बार है कि एक आंचलिक पार्टी ने एक एससी रिजर्व सीट से, इतिहास ऑफ त्रिपुरा में पहले बार होगा कि हमने कैंडिडेट दिया है. आज से पहले जो हमारे लोग थे उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि एक रीजनल पार्टी के लिए वोट करें. ये पहले बार उनके पास एक अवसर है कि ये अपना आंचलिक पार्टी को समर्थन दे. आज तक जो भी वहाँ में थे उनको सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या तृणमूल को वोट करने का एक ऑप्शन था, एक आंचलिक पार्टी का कभी ऑप्शन नहीं था. ये ऑप्शन हमने कर दिया है और इससे और एक चीज़ भी हमने प्रूफ दिया है, सबको सबूत दिया है कि तीपरा मोथा कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सब कम्युनिटी के संग है, सब धर्म के साथ है, और हमारा जो डीएनए है वो सेक्युलर है. हमारा डीएनए किसी के खिलाफ नहीं है, और जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्रोटेक्शन, तीपरा सा का प्रोटेक्शन के बारे बात करते हैं, किसी और का अधिकार छीनने के बारे बात नहीं करते. जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं वो अपना अधिकार के बारे कम, दूसरे का अधिकार छीनने के बारे ज़्यादा बात करते हैं. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे ज़्यादा बात करते हैं, किसी और का संवैधानिक राइट हटाने के बारे बात नहीं करते. आपको और एक बात मैं बोल दूं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, 10,323 टीचर्स आज तक सब ने कहा है कि 10,323 टीचर्स का जो उनका एक समस्या का हल होना चाहिए. हमने एक, हमारा एमएलए कैंडिडेट खुद ही एक विक्टिम है 10,323 टीचर्स का. मैं चाहता हूं कि हमारा उम्मीदवार खुद असेंबली जाए और असेंबली में 10,323 टीचर्स के बारे बात करें, क्योंकि ये सोल्यूशन हमें चाहिए. हम बात कम करते हैं, हमने एक कैंडिडेट दिया है जो एक्चुअली सफ़र किया है जिसने, और मैं चाहता हूं कि यही कैंडिडेट जाकर असेंबली में अपने बारे बोले. मेरे संग यहां में और दो पार्टीज हैं जिन्होंने तीपरा मोथा को इस बाय इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हमारे लिए प्रचार भी करेंगे. टुवर्ड्स माय राइट इज माय ओल्ड कोलीग हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूजन बिस्वास, एंड आई ऑल्सो हैव बिलास कुंडू हुज गॉट हिज ओन पार्टी और अ ब्रिगेड फॉर द एससी पीपल. मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तीपरा मोथा के खिलाफ बहुत दुर्प्रचार हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन किया है आज आप देख सकते हैं कि उनका स्थिति त्रिपुरा में अच्छा नहीं है. और त्रिपुरा जिस अगले सात महीने में आप देखेंगे कि त्रिपुरा में बहुत चीज़ बदलेगा, और उस चेंज में तीपरा मोथा भी शामिल होगा. तीपरा मोथा इज़ रेडी एंड ऑन द ग्राउंड एंड वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आर कोर आइडियोलॉजी. वी वॉन्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एंड वी विल कीप ऑन फाइटिंग फॉर दैट, बट वी विल ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु कैनॉट स्पीक. हम उनको भी मौका देना चाहते हैं जो ट्राइबल नहीं भी हो तभी भी उनको त्रिपुरा में जगह नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है, स्पेस नहीं मिला है. और ये जो मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा था आज ये कैंडिडेट देकर मैंने साबित कर दिया
कि तिपरासा कम्युनल कभी नहीं हो सकता है। तिपरासा का दिल बड़ा है, तिपरासा ने यहाँ में सबको शरण दिया है और तिपरासा सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को छीनने के लिए नहीं। ये बात रख के आई वुड लाइक मेंबर्स ऑफ द TDF, यहाँ में मेरे ओल्ड एडवाइजर भी है तापोश बाबू, ही वॉज द कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा लगता है तापोश बाबू को यहाँ देख कर। पुण्यता चाकमा है मेरे मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर, राजेश्वर है यहाँ में, अनंत बाबू है मेरे कैंडिडेट यहाँ में है, प्रार्थी यहाँ में है हमारे, अनंत बाबू है यहाँ में, विलास कुंडू है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनसे भी कुछ सवाल पूछें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कोई भी हमें सपोर्ट करे मैं क्यों ना बोलूं, अगर कल बीजेपी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे तभी भी मैं थैंक यू बोलूंगा। ये तो इलेक्शंस है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रहा है और मुझे उन्होंने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे, तो मेरे संग ऑफिशियली तो बात नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी और हमें समर्थन करेगी तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं CPM को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। मैं BJP को भी बोलूँगा कि मुझे कीजिए। तृणमूल है, आज 10,323 का एक टीचर, एक हिंदुस्तानी SC वो फाइट कर रहा है, आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक 10,323 का एक कैंडिडेट अगर MLA बनकर असेंबली में अपने लोगों के बारे बात करेगा तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ और होगा। सी राइट नाउ वी हैव लुक्ड एट द एंटायर डेमोग्राफिक्स एंड वी हैव सीन दैट वी हैव अ साइजेबल इन्फ्लुएंस इन सुरमा एंड अगर इफ देर इज इलेक्शंस टुमारो, लेट्स से दिस इलेक्शंस अनाउंस इन अमरपुर, वील डेफिनेटली फाइट। इफ दिस इलेक्शंस अनाउंस इन तेलियामुरा, वील डेफिनेटली फाइट। मोहनपुर, वील डेफिनेटली फाइट। देर आर मेनी सीट्स, माताबारी, धनपुर, अमरपुर, वी आर ऑल्सो पानी सागर, सो देर आर मेनी सीट्स, कल्याणपुर, ओह अरे चित्तबाबू से, हाँ कमलपुर, कमलपुर वी हैव वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस, सो वी विल फाइट, वी आर देयर, वी हैव जीरोड इन 35 सीट्स, बट टुमारो वी कैन इवन फाइट इन 55 सीट्स, वी आर ग्रोइंग, समबडी एल्स इज रिड्यूसिंग, so we are in a growth stage, but our core ideology will not be compromised. Sir, if we see the past municipal elections, there have been a lot of allegations about poll rigging and all. Do you think these elections are going to be free and fair? Allegations, madam, I've got two eyes. I saw the amount of violence in the municipal elections. Allegation is different. Allegation is when you cannot have proof. You have a mobile phone, there is proof that the violence which took place in the municipal election has shamed all of us. There was allegations that I got attacked during the TTAADC election in the SDM's office. There is video evidence, yet nobody has been arrested. So I'm extremely worried that if tomorrow Agartala again comes in the national news for all the wrong reasons, for the violence, then as a Tripuri, as a citizen of Tripura, be it a Manipuri, Tiprasa, a Bengali, for any community, Hindu, Muslim, Christian, we'll all feel ashamed, because that is not how a democracy should conduct elections. So yes, I would appeal to the Chief Election Commissioner, and I would also appeal to the police that please ensure that there is law and order. If there is violence in Tripura and the government does not ensure law and order, then we all know who's to blame. Sir, kuch din pehle Deputy CM Vishnu Deo Barman ji ne ek press conference ke thoo bola tha ki aapka jo demand hai rate of tipralya ka, wo demand aapne BJP ke samne abhi tak openly nahi rakha. Isko baare mein kya bolenge? There has been talks, but you did not keep any condition.
अच्छा स्पीक इन द मीडिया, ये किसने कहा है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तो मैं अभी फोन करता हूँ उनसे और मैं पूछता हूँ, क्योंकि जिष्णु देव वर्मा हैज नॉट बीन करता, ही मे बी माई अंकल, बट ही इज नॉट बीन मैंडेटेड टू स्पीक टू मी। मैंने अपना बात अमित शाह के सामने रखा था, मैंने अपने बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखा था, मैंने अपना बात एडवोकेट जनरल के सामने रखा था, मैंने अपने बात सबके सामने रखा है। और आपको क्या चाहिए? ऑफिशियली चिट्ठी मैंने सबमिशन दिया था, हमारा पोजीशन क्लियर है। अच्छा चलिए, मेरा बात को मत मानिए, आईपीएफटी ने तो एक डिमांड रखा था 2018 के पहले टिपरालैंड के बारे, उसमें क्यों नहीं बात कर रहे? वो तो उनका अलायंस पार्टनर है। और ग्रेटर टिपरालैंड का जो मेरा डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। अब किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अखंड भारत चाहता हूं, ग्रेटर टिपरालैंड होबे ना, क्या ये ग्रेटर टिपरालैंड क्या खालिस्तान मूवमेंट है क्या? ये तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है, हम क्या देश से अलग होना चाह रहे हैं? और जो देश से अलग होना चाहते थे वही बीजेपी में बैठे हैं आज। एंड आई डोंट नो इफ जिष्णु करता है सेड दिस, देन आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, बिकॉज ही नोज वेरी मच माय पोजीशन। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इनवाइट अस। व्हाट डू यू वांट अस टू डू? गो आउटसाइड द सेक्रेटेरिएट एंड पुट फ्लैग्स एंड से गिव अस ग्रेटर टिपरालैंड? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन तमाशा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज दैट डिमांड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज दैट वी वॉन्ट टू टॉक, but the government of India has called, many members in the ruling party have called me anti-national, have called a demand anti-national. The government of India should, the BJP government should withdraw such statements against Tipra Motha, and then they should invite us, we will talk. There is no secret talks happening, everything will happen in front of all you media. Doctor sir, he suggested that opposition have putting this allegation of post violence in the election camp, but why we were also in the opposition, why opposition is not going, including you are also in the opposition, why you are not knocking the door of the election commission and have confidence of the election? He suggested that. Doctor Ashok Sinha is a very respected man, I know him from my days in Congress together. He himself had gone and represented many times in the election commission when there was rigging in 2013. He in fact prepared a draft where there was video evidence of voting malpractice. So he is well aware that in this country sometimes the system does not give justice in time. We all know, and we all know that there has been violence. We all know that there is a bike squad in Agartala, and they have not attacked me, but they have attacked other people who are leaders in Agartala. But then I was also attacked in SDM's office. Was there any, jab maine, it was public knowledge, FIR was filed. Has anyone been arrested? Has the case been closed? Those people who shut down SDM's office and attacked me, if that time the chief minister and the DGP did not call me and say, Pradyot, appeal for peace, otherwise there will be violence in Tripura, and I then immediately came and appealed for peace, if I had not done that, there would have been a law and order problem across Tripura. I have actually done my duty as a citizen because I didn't want violence. But the fact is that there are criminal elements which are in the system, and they are not, there's no action being taken against them. I have spoken to him a couple of times, and if he is saying what he is saying, then I welcome it. But the fact is that no justice has been done. Durga Rankhol was killed by drug people. Those people have not been arrested. There has been violence across the state. Our present chief minister at that time was BJP state president, so he should be knowing that there was no justice meted out. And so I hope that he follows through
he seems like a decent man, and we should give him some time to take action. But then action has to be seen, justice has to be seen, and till today I have not seen any justice. हाँ हाँ कुछ हमारा सतनामी सर खुद 10,323 में से है, तो किस परिस्थिति में आप लोग बिता रहे हैं टाइम, और आप पॉलिटिक्स में क्यों आए, आप क्यों आना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? यू आल्सो आर फाइटिंग, आपका लड़ाई तो आप लड़ ही रहे हैं 10,323 के हिसाब से, अभी अगर आप जीत जाते हैं तो आपका मैसेज क्या रहेगा, आप क्या करना चाहेंगे? 10,323 के तो बारे में आप लोग को सबको पता है, बहुत मूवमेंट किया हम लोग, हमारा ऊपर क्या हालात बीता आप लोग को सबको मालूम है। अभी तक 135 हमारा साथी गुजर गया, और अभी जो हालत हम लोग को एक बेला खाने को नहीं जुट रहा है, और इधर आने के मकसद है हमारा, पहले बार इतिहास में स्वाधीनता के 75 साल हो चुका है, लेकिन ये हिंदुस्तानी समाज के कोई नहीं पूछा, ये इतिहास में पहले बार कुछ हो रहा है। महाराज के नेतृत्व से ये कोई पिछड़े पर आज जाति है, उस जाति को संविधान के तौर पर हमारा ये सुरमा विधानसभा में नॉमिनेशन देने का प्रस्ताव। सर आपके जीत के बारे में कितने परसेंट? जीत के बारे में हमारा 100% आशा है। जैसे हिंदुस्तानी समाज है, जनजाति समाज है, मुसलमान भाई लोग है, मुनिपरी भाई भी है, और जितना हमारा जो बंगाली भाई बहन है सब हमारा तिवरा मुथा में साफ उठे, इस आशे में हम जीतने की उम्मीद रखते हैं। देखिए सुरमा में आपने एक सुरमा इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी विच हैज बीन निग्लेक्टेड, और सुरमा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां में आज आप देख लीजिए, त्रिपुरा में एससी के बारे कौन बात करता है? आप भाषण देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं कि आप जाएंगे चा बागान के एरिया में तो कोई बोलेगा कि अच्छा आपको 250 रुपए मिल रहा है, हम 260 कर देंगे, 275 कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो चा बागान में, जिसका दादा चा बागान में था, जिसका पिताजी चा बागान में था, जो आज चा बागान में है, उसका बेटा को भी चा बागान में काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यह मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ 10 रुपए 15 रुपए बढ़ाए, ये लॉलीपॉप होता है। हमको अब त्रिपुरा में ऐसी कम्युनिटी को आप देख लीजिए, ऐसी कम्युनिटी को भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। आप चा बागान को देख लीजिए, उनका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आज आप मुसलमान हो तो आपको शक के नजरिए से देखा जाता है। आज मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड लिखा यहां में चित्त बबूज देव ग्रेटर त्रिपुरालैंड, तो जिस परिवार ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हम हिंदुस्तान का अंग बने, मेरे ऊपर बोलता है कि यह देशद्रोही है। तो यह क्या चल रहा है इंडिया में, आप सबको शक के नजरिए से नहीं देख सकते। तो मैं चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, पीपल हुआ बैकवर्ड हुआ इन द माइनॉरिटी शुड ऑल्सो हैव अ वॉइस इन द असेंबली, और मैं चाहता हूं कि 10,323 का एक टीचर असेंबली में बैठे और खुद के आवाज से इसका प्रोटेस्ट ऑफिशियली असेंबली में करे। पॉलिटिशियन ने 10,323 को बहुत वादा किया, कुछ नहीं किया। अब 10,323 का एक एमएलए बनके वो खुद असेंबली में बात करे। सर आपने तो पार्टी दिए आपने बोलें जरा जरा इनडायरेक्टली एवं डायरेक्टली सपोर्ट करते जरा विरोधी आज सीपीएम हम बीजेपी हम कॉग्रेस जे क्यों सपोर्ट करते अपने आरोप जानिए अपन कैंडिडेट के जे जे जगह अपना दें कैंडिडेट से जगह अपना सपोर्टर आज भोटारों आज ना आमी ये देखिए ये बात बहुत कॉन्डिसेंडिंग है, आप नहीं बोल रहे लेकिन इज अ वेरी कॉन्डिसेंडिंग। ये क्या मैं किसी का जिंदगी कंट्रोल कर सकता हूँ कि उसको बोलूँ कि आज इसको वोट करो कल इसको वोट करो? ये कोई किसी का गुलाम नहीं है,
ये मेरे रिमोट कंट्रोल के अंदर नहीं है कि मैं कल फोन करके अगरतला में बोलो ये पार्टी को वोट करो, या मैं उसको फोन करके जुबराज नगर में बोलो ये पार्टी को वोट करो। कोई किसी को ये बोल नहीं सकता। सब लोग जानते हैं कि जिसने तिपरा मोथा को अटैक किया है उनको वोट नहीं मिलेगा, और जिसने तिपरा मोथा को मदद किया है, जिसने हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड मूवमेंट को सपोर्ट किया है, उनको तरफ थोड़ा सिंपथी होगा। ये क्लियर बात है। और जिनको अगर तिपरासा का वोट चाहिए, मैं जानता हूं आप बोल रहे समर्थन समर्थन, आप तिपरासा वोट के बारे पूछ रहे हैं, तो ग्रेटर तिपरा लैंड को मत अपोज करो, आपका कोई चांस होगा कि कोई आपके पार्टी को वोट करेगा। लेकिन अगर आपने हमें एंटी नेशनल बोला तो आपको ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला। नो, जुबराज नगर वी डू नॉट हैव साइजेबल नंबर्स। द टीडीएफ एंड मी विल माय यंगर ब्रदर इज हियर एंड तापस बाबू माय फॉर्मर पॉलिटिकल एडवाइजर, आई टेल यू दिस, आई वांट हिम टू बी इन द असेंबली आल्सो, ओके? एंड तिपरा मोथा विल सपोर्ट टीडीएफ व्हेन दे आर रेडी फॉर इलेक्शन इन 2023। आई वांट यंग पीपल टू बी इन द असेंबली। आई वर्क विथ हिम, इज अ ऑनेस्ट मैन, sincere person, been badly used, you know, people have taken advantage of him, and I want good people to be in the assembly, and why will I not support Pujan Biswas or his party in the 2023 elections? I have a lot of respect for his father as well, and that relationship, Tapas Babu is here, I know almost everyone, they worked with me in the Congress together, and I have a lot of respect for him. আমরা ত্রিপুরা বঞ্চিত জনতা ব্রিগেড, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি বৈশ্য কপালি হিন্দিভাষী কোঅর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে আমরা সমস্ত রাজ্যে আমাদের সংগঠন তৈরি করছি, এবং আজকে এই সংগঠনের প্রকাশ এবং রাজনৈতিক দলের ঘোষণা আমরা করলাম ত্রিপুরা বঞ্চিত জনতা ব্রিগেড। ফ্ল্যাক্স আছে বাইরে, আমরা ফ্ল্যাক্স শুটিং बाहर में, और अच्छा से आप लोग फोटो आप ले लीजिए। एनी लास्ट क्वेश्चन? संगठन हठात तो छिलो ना, हठात ना, हमरा दो बच्चों से संगठन करी, एर आगे अन्य नामे करतम त्रिपुरा तफसिल जाति सुरक्षा समिति, एरपर भीम आर्मी नामे, किन्तु हमरा एखन पॉलिटिकल राजनैतिक दल घोषणा करलाम त्रिपुरा वंचित जनता ब्रिगेड, এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য, আমাদের যে আশা, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এতদিন কাজ করছি, সংগঠন তৈরি করছি, সেই উদ্দেশ্যটা সফল হবে, ত্রিপুরা মোথার উদ্দেশ্যর সাথে আমাদের মিল আছে, সেই জন্য আমরা 46 সুরমা যে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে, আমরা প্রার্থীকে সমর্থন করলাম, এমন আমরা কাজ করব। এবং আমাদের যারা সংগঠনের যারা আছেন এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি কপালি মণিপুরী হিন্দিভাষী জনগোষ্ঠী, আমাদের সংগঠনে যারা আছেন এদের আমরা বলবো 46 সুরমা ক্যান্ডিডেট শিবরাম মোতার বা এমনাকে জয়যুক্ত করার জন্য। আমরা আজকে থেকেই আমাদের পথ চলা শুরু, পেছনে আমাদের ফ্ল্যাক্স আছে, বাইরে আমরা ফটোশুট করব, আপনারা ফটো নিয়ে নেবেন, আমাদের সমর্থকরা বাইরে আছেন, শুধুমাত্র আমরা এখানে দুজন আছি এই এই সংগঠনের, এবং আমরা এই সংগঠনের পক্ষ থেকে মহারাজের কাছে আমরা আবেদন জানাইছিলাম পূর্বে, এবং একমত হইয়াই আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলন। আমরা যৌথভাবে কাজ করব ত্রিপুরমতার সাথে, আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন মহারাজের কাছে। আমাদের সদস্য সংখ্যা 8 কমিটি আছে, 8 ডিস্ট্রিক্টে, মহকুমা কমিটি পুরা হয়নি, যতটা পুরা হয়েছে
কিছু হয়েছে এবং রাজ্য কমিটিতে আমাদের 9 জনের একটা কমিটি আছে। এই কমিটির পরে আমরা সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, মহকুমা কমিটি, আমাদের আছে কর্মচারী কমিটি, আমাদের আছে কৃষক, আমাদের আছে শ্রমিক, আমাদের আছে এসটি, আমাদের আছে বৈশ্য কোপালি, আমাদের আছে মণিপুরী হিন্দিভাষী কমিটি আছে, টোটাল মেম্বার 10,000-এর উপরে আছে। এনি লাস্ট কোয়েশ্চন? দেখিয়ে মে আপকো বোল রা হুম তন্ময়, হাম লোক না কবি ভি সিস্টেম কে অন্দর নেই জাতে। আজ আগর মিডিয়া কো কিসি নে দবায়া তো আপ বোলতে হ্যায় কি इस पार्टी ने दबाया, 5 साल बाद कोई और पार्टी पावर में आएगा वो भी आपको दबाएगा तो आप बोलेगा ये पार्टी खराब। प्रॉब्लम पार्टी में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। इसके लिए हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फ्रीडम चाहिए। आज मीडिया भी फ्री नहीं है, आज हम लोग भी फ्री नहीं है। इसके लिए आज जुडिशरी में भी प्रेशर है, आज पुलिस जो आप लोग ने वायलेंस के बारे में बात किया उसमें भी प्रेशर है, और जो 10,323 लोग ने नौकरी हारा है, मैं आपको बोल रहा हूं अगर ये लोग एक हायर लेवल के होते सोसाइटी में, या जो आज आप देख लेंगे कि एडीसी में रुपया नहीं आता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये निचले वर्ग को, एसटी को, एससी को, माइनॉरिटीज को दबा के रखता है, और जो भी आवाज उठाता है उनको ये लोग सिस्टम दबाता है। सो आई एम टेलिंग यू ही इज फाइटिंग, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम। आज तक हिंदुस्तानी को एमएलए का टिकट क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आज तक क्या आज एक आईटी सेल है ग्रेटर यूनिटी करके, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, कि टिपरा मोथा ने नॉन टिपरासा को क्यों दिया? ये जो ग्रेटर यूनिटी जो ग्रुप है बीजेपी का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनको आज भी वही पॉलिटिक्स करना है जो डिवाइड एंड रूल का है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, त्रिपुरा में एक पुराना रकम का पॉलिटिक्स है जो सिर्फ पार्टी को ब्लेम करता है। मैं आपको पार्टी का ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिस्टम का ब्लेम कर रहा हूं। ये सिस्टम को बदली करो। आज दूसरा स्टेट्स नॉर्थ त्रिपुरा से आगे बढ़ चुका है और हम लोग वही पार्टी के पॉलिटिक्स पे फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम सिस्टम में है, सिस्टम को बदली करो। वील ऑल हेल्प, वील ऑल ग्रो इन त्रिपुरा। सी इट्स वेरी सस्ता राजनीति है। मैं I don't know you. I meet Jitendra Chaudhary. I went to his house couple of months ago. I had chai with him. Acha se. Jishnu Karta ke sang I was there in Killa. Jishnu is my uncle. So Sushanto ke sang mila. Baat kiya. Sudeep, he is my former Congress colleague. Baat hua. Pujan, we were in Congress together. Tapos Babu, milte hain. I have a picture with Manik Sarkar and me also having chai. इन 2018 जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं वहां में अगर कोई आपसे हेलो बोलता है तो आप भी हेलो बोलते हो। वो भी हिंदुस्तान के हैं, मैं भी इंडिया के हूं। ये सिविल वॉर तो नहीं है कि एक दूसरे से बात नहीं करे। आई लैंडेड फ्रॉम गुवाहाटी, आई वेंट टू द लाउंज, मेरा लगेज आ रहा था, मैं वहां में बैठा था। उसके बाद बीजेपी के लीडर्स आए, वो भी वहां बैठे, तो उनका जो सेंट्रल लीडर है उसने मुझसे सवाल पूछा कि क्या ये एयरपोर्ट आपके पिताजी के नाम में है या आपके ग्रैंडफादर के नाम में है? तो मैंने कहा ये एयरपोर्ट मेरे ग्रैंडफादर के नाम में है। तो उसे नमस्ते कहा, मैंने नमस्ते कहा, थैंक यू, हेलो, कुछ पॉलिटिक्स का बात नहीं, लेकिन फोटो लगाकर आपने लीक कर दिया। जिस दिन मैं आपको बोल रहा हूं, एक कहानी था जो एक बच्चा बोलता था वुल्फ आया, वुल्फ आया,
गिदर आया। और सब एक दिन वो सच में गिदर आया और किसी ने विश्वास नहीं किया और उसने सब बकरी को खा लिया। मैं एक दिन सचमुच बात करूंगा ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए, और तब जब ये लोग बोलेंगे बात हो रहा है, कोई विश्वास नहीं करेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको सच में पॉलिटिक्स करना है तो ये चुपचाप एक फोटो, चुपचाप यहां में लीक करना, ये शोभा नहीं देता एक नेशनल पार्टी को। दे शुड, अगर बात करना है आइए सम्मानजनक से बात कीजिए। मैं, हमारा डिमांड है राइटिंग में आप दीजिए, हम बात करेंगे। अगर बात नहीं करेंगे तो हम आपको इलेक्शन में आपके खिलाफ फाइट करेंगे और आपको हम शिकस्त भी करेंगे। और ये मत भूलिए कि 20 तारीख को हाई कोर्ट में हमारा मैटर है फॉर द विलेज काउंसिल इलेक्शन, और आई एम होपफुल दैट अगले एक महीने के अंदर या 45 डेज के अंदर विलेज काउंसिल इलेक्शन भी होगा, तब आप देखिए ग्राउंड में क्या होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी इमेच्योर मूव, वेरी इमेच्योर। ये बहुत ये छिछोड़ापन है, छोटा, ये दिखाता है कि हाउ डेस्परेट यू आर। ऐसा करके पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। एक बार मैं प्लेन में जा रहा था और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव जी वो दूसरे सीट में बैठे थे, तो एक वीडियो बना के लीक कर दिया कि दिल्ली में जा रहे हैं बात करने के लिए। ये क्या राजनीति है, ये क्या राजनीति। अच्छा, और जब मैं किसी और से मिलता हूं तो ये कभी होता नहीं, सिर्फ जब मैं बीजेपी से मिलता हूं तो ये लीक होता है। क्यों? अगर बात करना है तो खुल्लम खुल्ला बात करो, चुपचाप स्लाइली रात में क्यों बात करना, ओपनली बात करो। लेकिन ये सब चीज अच्छा नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और अब मुझे लगता है कि जनता, पब्लिक भी सब जानती है दिस विल नॉट स्टिक फॉर वेरी लॉन्ग। Then conduct the election. It's not in my hands. It is not in the whose hand is it? State election. आप बोल रहे हैं कि it is not in my hand. What are you saying? Say that ये तो this is you are like more intelligent than this. You are more intelligent. You have done Agartala municipal election. You have done by election, and yet you are not doing election in village council. Why? Do it. We'll see. I'm offering my Tiprasa people heaven. Swarg mein offer kar raha hun. And BJP is offering them patal. Why it is not happening, Maharaj? This one, why it is not happening? And we should be this issue is not happening. I don't know. You have to ask them. I'm not an astrologer. So what is your view? I think that BJP has made a fundamental mistake in fighting with me. And now they will have to answer. Because they should not have called Pradyot Manikya, Chittaranjan Dev Barma, Purno Chandra Jamatia, Animesh Dev Barma, anti-India. And our demand for greater Tripura land is not anti-India. We love our country. But for them to have called us anti-India, to have called me Jinnah, is a mistake. And now they will have to either eat their words back or they will have to come and talk to us. But their approach towards us has been very wrong. So now they have to get their act together. Otherwise, you will see what will happen in the coming days. Merger? No. Alliance. I am supporting him. আমাদের তো প্রথম থেকে আমরা যখন পার্টি আমরা উইনি ফর্মড আওয়ার পার্টি তখন থেকে আমরা আমাদের ফার্স্ট প্রেস মিটে আমরা বলেছিলাম যে আগেও মহারাজের সাথে উনি যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখনও আমরা ওনার আন্ডারে কাজ করেছি এবং ওনার মধ্যে যে অনেস্টি অ্যান্ড পজিটিভিটি হুইচ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন পলিটিক্স ওইটা আমরা সাপোর্ট করতাম। নট অনলি মি, আমার সাথে আমার এখানে সিনিয়ররা রয়েছেন অনেকজন, ওরা এবং আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশনের যারা রয়েছিল সবাই আমরা সমর্থন করি ওনাকে। তার জন্য আমরা টিডিএফ পার্টি আমরা তৈরি করার পরে প্রথম থেকে ওনার প্রতি আমাদের সমর্থন ছিল। এবং তাছাড়া আমরা যখন সমর্থন জানিয়েছিলাম অনেক বিজেপি কিংবা নাগরিক মঞ্চ অনেকে আমাকে অনেকভাবে ওরা দে অ্যাবিউজ মি ওভার সোশ্যাল মিডিয়া ফর সাপোর্টিং ত্রিপুরা মোর্চা,
মোরোভার প্রদ্যুৎ মানিকাজি, বাট ওয়ান থিং ওদের যে ডিমান্ডটা রয়েছে ইট ইজ নট আনকনস্টিটিউশনাল। এখন আমরা যেটা দেখতে পারি যে আগরতলার মধ্যে থেকে যে আগরতলা দ্য ডেভেলপমেন্ট হুইচ হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন আগরতলা ইজ হ্যাজ নট হ্যাপেন্ড ইন দ্য ইন্টেরিয়র পার্টস অফ ত্রিপুরা, ইট ইজ কারেক্ট অ্যান্ড ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। তো এটাকে আমরা কাউর থেকে কাউর আগরতলা থেকে আমরা অধিকারটা ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে দিতে চাইছি না, আমরা শুধু বলছি যে বাইরে যে জায়গাগুলো বঞ্চিত এতদিন ধরে ডেভেলপমেন্ট থেকে ওইখানকার মানুষ বাই হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটিস সবকিছু ওইগুলো যাতে সমসাময়িকভাবে উন্নত করা হয় এবং সমান অধিকার সবাইকে দেওয়া হয় পুরা ত্রিপুরাতে। তো এটা এটা ইট ইজ নাথিং রং ইন সাপোর্টিং দ্যাট। যারা যেরকম সেন্সে এটাকে দেখতে চায়, কেউ এটাকে পজিটিভ সেন্সে নেবে, যেরকম আমরা এটাকে একদম পজিটিভিটি উইথ অল দ্য পজিটিভিটি উই টুক ইট, অ্যান্ড দোজ হু ওয়ান্টস টু টেক ইট ইন নেগেটিভ সেন্স দে ক্যান টেক ইট ইন দেয়ার ওয়ে, ইট ইজ দেয়ার লস। আফটার অল দ্য ডেভেলপমেন্ট ইজ ফর অল, ইট শুড বি ফর অল ইন ইন আওয়ার স্টেট। অবশ্যই করব আমরা। ত্রিপুরা মোটার যে প্রার্থী হয়েছেন ওনার জন্য সুরমা কেন্দ্র থেকে, আর ত্রিপুরা মোটা ইট ইজ দ্য ফার্স্ট রিজিওনাল পার্টি যে আউটসাইড অফ কমিউনিটি গিয়ে অন্য কমিউনিটির কাউকে ওরা সাপোর্ট করেছে এবং ক্যান্ডিডেট বানিয়েছে, ইট ইজ দ্য বিগেস্ট থিং। ফর দ্যাট অলসো উই হ্যাভ মোর রেসপেক্ট টুয়ার্ডস মহারাজা অ্যান্ড টুয়ার্ডস দেয়ার পার্টি অলসো, সো উই এক্সটেন্ড আওয়ার সাপোর্ট।